नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज आप सबका हमारे शो में। आज हमारे साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर हैं, जो एक इंडियन टीम के कैप्टन भी थे। इन्होंने बहुत सारी चैम्पियनशिप्स जीती हैं और आज हम इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। वेलकम। आज हमारे बीच में सुब्बा राव जी हैं एंड ये बहुत ही फेमस रहे हैं एंड सम हाउ मेरे पिताजी एक वॉलीबॉल प्लेयर थे, तो मैंने इनके मैचेस देखे हैं कुछ, और मेरा ऐसा सौभाग्य रहा है दैट आई हैव विटनेस्ड सीइंग हिम प्ले। सो वेलकम एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी ऑनर्ड दैट यू हैव कम टू आवर शो। थैंक यू, थैंक्स फॉर आई वांट टू नो समथिंग अबाउट योर जर्नी, दैट वेयर आर यू फ्रॉम, हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी एज अ वॉलीबॉल प्लेयर एंड एवरीथिंग। बेसिकली आई एम, माय नेटिव इज आंध्रा। आई वाज बोर्न इन आंध्रा but my father was working in Haryana. Okay, so it was border to Delhi, 30 kilometers from Delhi. So and he was working in a private company there. So I just was born in Andhra, and then my schooling and all was done in Bahadurgarh, Haryana. Okay, so we were staying there only, and after 7th class I went to Delhi, because most of us, you know, my brother and all, they used to go for Delhi for schooling and all. So I done my schooling there also. Okay. So how did you get fascinated to play volleyball? Because हमारी कंट्री में ज्यादातर हम क्रिकेट सुनते हैं और स्पोर्ट्स सुनते हैं, पर वॉलीबॉल इतना ज्यादा नहीं सुना जाता। शुरू में क्या हुआ कि I was like interested, always interested in playing only, and never got in studies also. So or I used to play everything, like sort of everything. We used to play cricket, we used to play football, I mean all local games, everything. So I was more inclined to sports. And when I was in school, you know, in class 10th and 12th, there I used to play basketball more. Okay. So, and from there, you know, one day once when we actually in class 12th, you know, we were selected from some athletics so team, or school was, we had to go for some zonal championship was there. So we went there and वहाँ जाने का ये हुआ कि एक कोच थे किसी दूसरे स्कूल के, तो वो आए मेरे पास, वो आके पूछते हैं कि उन्होंने, ही सॉ मी एंड तो ऑब्वियसली आई थॉट कि वो आके मेरा हाइट वाइट पूछेंगे, तो फर्स्ट आई इग्नोर्ड, मैंने उनको इग्नोर किया, फिर आई वाज बिजी विद सम। जस्ट टू इंटरप्ट, कैन यू टेल हाउ मच इज योर हाइट? या माय हाइट इज 6'10", 209 इन मीटर्स, 2.09। सो फिर वहाँ वो आए मेरे से, फिर उनकी क्यूरियोसिटी, आई थॉट कि वो वैसे हाइट वाइट पूछेंगे, बट ही केम टू मी, फिर उन्होंने अच्छी तरह से बात बात करी, कह रही कि आप क्या करते हो। I told him कि ऐसे ऐसे मैं स्कूल 12th क्लास में हूँ और यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मेरा स्कूल का नाम आंध्रा स्कूल था दिल्ली में, सो आई स्टडीड देयर। तो वहाँ फिर उन्होंने पूछा कि आप कोई गेम खेलते हो? मैंने कहा नहीं सर, अभी तो वैसे ही सब चल रहा है, बास्केटबॉल कुछ भी जो भी मिल रहा है। तो जो मिल रहा है, तो फिर एथलेटिक्स के लिए गए थे बेसिकली। तो ही सेड क्या अच्छा, आप मेरे को एक फेवर करेंगे? जस्ट टेल मी, कह रहे ही गो में, उन्होंने कोच का नंबर पर दिया, और एक सेंटर है रमेश नगर सेंटर करके है दिल्ली में, वहाँ एक अच्छे कोच थे सक्सेना सर करके, उनका कांटेक्ट दिया और कहा कि एक बार जस्ट मेरे लिए आप जाके मिल के आइए। तो फिर देन आई थॉट कि फिर वो उन्होंने अच्छी तरह, मतलब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया कि नहीं एक बार मेरे लिए, और आप गिव इट अ शॉट, एक आप जाके आ लो, बाकी सब के लिए। फिर मैं बोला कि आप पापा को लेके आना। तो फिर नेक्स्ट डे फिर मैं बात बात करी, पापा कहते चलो ठीक है, विल गो एंड मीटिंग। मैं गया तो उन्होंने बुलाया, बैठाया, चाय वाय पिलवाई, पूछा क्या करते हो, कुछ खेलते हो? मैं सर कुछ नहीं खेलता, ऐसे टाइम पास स्कूल में बास्केटबॉल खेलते हैं। अच्छा, तुम्हारी बहुत अच्छी हाइट है, यू शुड प्ले सम गेम्स, व्हाई डोंट यू प्ले वॉलीबॉल? तो पापा से भी, पापा को भी उन्होंने कन्विंस किया कि आप इसको भेजिए, मतलब अच्छी हाइट है, ये कुछ बन सकता है। तो उस वक्त आई वॉज वेरी लीन, अभी तो मैं, सो ही सेड फिजिक विजिक भी ठीक है, तो ही कैन बी ए गुड प्लेयर ऑल्सो। तो पापा कहते हैं ठीक है जाओ। तो आई वॉज नियरिंग माई 12th क्लास, एग्जाम्स खत्म होने वाले थे मेरे। सो फिर पापा ने कहा कि 12th क्लास एग्जाम्स के बाद यू कैन, अभी तो नहीं, ऐसे रोक के। तब भी फिर एक महीना मैं गया, आई थिंक दिसंबर तक गया था मैं, उसके बाद एन आई स्टॉप किया एग्जाम से। तो फिर उसके बाद दे हैड सम जूनियर नेशनल था, तो 15 दिन का कैंप है कुछ था, तो आई वाज सिलेक्टेड फॉर दिस बिकॉज़ ऑफ हाइट। मैं गेम बिल्कुल नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिकॉज़ दे वर फैसिनेटेड विद योर हाइट एंड यू कैन डू इट, ओके मे बी
अगर जूनियर नेशनल खेलूंगा मैं दिल्ली की टीम से तो मे बी आई कैन गेट सेलेक्टेड फॉर द कैंप एंड ऑल, सो एक स्टार्ट मिल जाएगा मेरे को. फिर वहां से आई प्लेड जूनियर नेशनल, आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द इंडियन कैंप, जूनियर इंडियन कैंप. 45 डेज का कैंप था. फिर उसमें भी क्या हुआ, मैं जाने से पहले मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया. तो मैं सोचा कि नहीं जाऊंगा, फिर मेरे को साहब कहते नहीं, यू हैव टू, कोई नहीं प्लास्टर लगा के जाओ, जाना जरूरी है. तो मैं गया 45 डेज का कैंप वैम्प किया, तब ठीक हुआ हल्का, मतलब फिर मेरे को वॉलीबॉल में इंटरेस्ट आने लगा तब धीरे धीरे. तो उसके बाद फिर उनसे ही मैंने सुना कि श्याम सुंदर राव करके इंडियन टीम के बहुत अच्छे कोच थे, तो उनको ही पता लगा, उन्होंने देखा था मेरे को जूनियर नेशनल्स में, तो उनसे बात बात करेगी मेरे को सब. तो उन्होंने बुलाया कि अच्छा ऐसा है कि एक एकेडमी शुरू कर रहे हैं हम विशाखापट्टनम में, आप उनको मेरे को वहाँ भेजने के लिए. तब तक फिर मैं 12th क्लास पास करके फिर आई टुक एडमिशन दिल्ली में. तो उन्होंने मना कि ठीक है ना दिल्ली में तुम पढ़ो, तो हम अपना वहाँ चले विशाखापट्टनम में. एक नया एकेडमी शुरू हुआ था स्टील प्लांट में, तो वहाँ 2 साल फिर मैंने वहाँ वॉलीबॉल की अच्छी ट्रेनिंग ली. फिर उसके बाद 98 में जनवरी में तो वहाँ कैंप वैम्प लगा, हमारा जूनियर इंडियन टीम में सिलेक्शन हो गया था हमारा. तो उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं इंडियन टीम में आया, मतलब जूनियर इंडियन टीम में कैंप में भी मिला मेरे को सिलेक्शन, फिर इंडियन टीम भी खेला, ऐसे धीरे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जूनियर से मतलब. और फिर मैं सीनियर, जब फर्स्ट सीनियर का चांस मिला मेरे को 99 में, उससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था कि क्या हुआ था, मेरा सिलेक्शन हो गया था सैफ गेम्स जानी थी 99 में नेपाल में सैफ गेम्स. तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ, पेपर में नाम आया, मैं अच्छा वो सिलेक्शन हो गया. फिर नेक्स्ट डे बोला कि जो पेपर में लिस्ट है वो फाइनल लिस्ट नहीं है, अभी एक लिस्ट और आएगी. नेक्स्ट डे जो दूसरी लिस्ट है उसमें मेरा नाम नहीं, तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ. मैंने कहा कि क्या हुआ, कैसे, ये कैसे कैसे नाम कट गया. तो फिर मैं किसी को बोला नहीं, फिर वो फील तो होता ही है कि आपका नाम कट जाता है. तो फिर उसके बाद मैं ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने चलो देखा, ऐसा एक फीलिंग भी आई कि क्यों नाम कटा, क्या हुआ ऐसा. फिर 2-4 दिन नींद भी नहीं आई, फिर मैं ठीक है. तो फिर उसके बाद फिर मेरा चांस मिला उनको सीनियर टीम में, एक सीनियर नेशनल में खेला था, उसके बाद सीनियर टीम में चांस मिला मेरे को, सीनियर नेशनल सिलेक्शन हो गया था, दुबई जाने थी टीम 99. अच्छा. तो वहाँ पर भी मैं बाहर था, उनकी मेन प्लेइंग नहीं था. तो वहाँ हमारे एक सीनियर प्लेयर उनको चोट वोट लगी, तो मेरे को चांस मिला. तब फिर मैं फर्स्ट टाइम सीनियर टीम में मिला, चांस मिला मेरे को. तो उसके बाद फिर मैं कि आप बाहर नहीं जाना, अंदर आ गए, अब टिके रहना है. और फिर परफॉर्मेंस भी उस दिन अच्छी थी, मतलब उस वाले टूर्नामेंट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, हम शायद सिल्वर मेडल या कोई हमारा मेडल भी आया था. तो उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर द जर्नी स्टार्ट. सो व्हेन वाज द टाइम व्हेन यू रियलाइज्ड कि नाउ यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस गेम, कि अब नहीं यही करना है और यही मेरा लक्ष्य है, कि मतलब आई वांट टू बी दिस अ प्लेयर. व्हेन आई वाज इन द एकेडमी एंड मेरे जो कोच थे, जो चीफ कोच थे श्याम सर, और हमारे असिस्टेंट कोच थे पांडियन, पीसी पांडियन सर, तो ही वाज टू मोटिवेट अस, मतलब स्टोरीज बताते थे और कैसे, मतलब लाइक अच्छे अच्छे प्लेयरों की बातें बताते. तो देर आई मीन आई गॉट द मोटिवेशन एंड ऑल, देन आई सेड ओके नहीं, कुछ तो करना लाइफ में, एक मतलब कुछ अचीव करना है, मतलब हैव टू बी समथिंग टू प्रूव माय सेल्फ, ऐसी सब चीजें. एंड देन व्हेन डिड यू बिकम इंडियन कैप्टन? इंडियन कैप्टन वाज देन, इट वाज आई थिंक 2002-2003 में, जब पाकिस्तान we got selected, मतलब सैफ गेम्स नेपाल के बाद पाकिस्तान में सैफ गेम्स हुआ था. सो देर आई बिकेम, मतलब आई वॉज इन द सीनियर टीम ऑल्सो, वहाँ पर मेरे को चांस भी मिला और आई वॉज अ कैप्टन. और पाकिस्तान में ही वी आर प्लेइंग फाइनल्स. तो ये एक अच्छी स्टोरी है. तो उसमें क्या हुआ, फर्स्ट 2 सेट्स हम जीत गए, तो वी आर प्लेइंग वेरी गुड टीम, सब बढ़िया चला था. फिर नेक्स्ट स्टार्ट से फिर पीपल, मतलब जो पाकिस्तान पब्लिक थी वो हल्ला करने लगी, तो पाकिस्तान वाज आल्सो प्लेइंग गुड. सो 2 सेट हम हार गए, हमारे बेंच सेट तो फाइनल. फिर टेंशन हो गई कोच, फिर वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज प्लेइंग इनसाइड, सेड सर ऐसे करते हैं चेंज करेंगे, विल चेंज द टीम. सो कोच आल्सो सेड ओके विल चेंज द टीम. सो वी चेंज द टीम, सो वी एंड आई वाज प्लेइंग इनसाइड ओनली. तो वो चेंज टीम का जो चेंज हुआ उसमें काफी फर्क पड़ा टीम, एंड वी प्लेड वेरी गुड. एंड इन द 5th सेट आई स्कोर्ड 5 out of 15, 8 points मेरे अपने से. Wow. 15 से 8 पॉइंट मेरे अपने थे. Okay. So that's why, and उस बाद जब हम जीते तो जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, ही सेड कि उनके इंटरव्यू मैंने सुना और बोले भी, खुद आके भी बोले कि हमारी विन और इंडिया के विन में बीच में आप आ गए, नहीं तो हम जीत जाते. तो
I felt good also कि नहीं कोई ऐसे पाकिस्तान और अपोनेंट में कोई प्रेज करा तो इट वाज वेरी नाइस. तो आपने बहुत सारी चैंपियनशिप जीती होगी तो कैन आई हैव सम ऑफ द नेम्स व्हाट ऑल गेम्स व्हाट चैंपियनशिप एक्चुअली उसके बाद एंड अगेन 2003 वी हैड अ वेरी गुड टीम. तो फर्स्ट मैच हमारा था कोरिया के साथ एंड वी हैड अ फॉरेन कोच विद अस. ओके सो टीम वाज वेरी गुड हमारा बहुत अच्छा मोरल था वाज लाइक गोइंग वेरी स्ट्रांग क्योंकि उससे पहले हम 5-6 महीने का हमने कैंप किया था फॉरेन कोच के साथ और एक यूनिटी फॉर्म हो गई थी हमारी टीम में 10-12 लोग जो 10 थे लोग थे मतलब वैसे तो पूरे 12 की टीम होती है मगर 10 लोग हमारे ऐसे थे एक यूनिट की तरह काम करते थे जिसे हर प्रैक्टिस वैक्टिस व्हाटएवर बाहर भी जाते थे हम यूज्ड टू एंजॉय टुगेदर व्हाटएवर जैसे भी जहाँ तो उसके बाद फिर हम वी वेंट टू यूरोप टू दो तीन टूर्नामेंट भी खेले हमने और टूर भी किया था तो वहाँ हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और उसका हमको एडवांटेज मिला एशियन चैंपियनशिप जाने से पहले क्योंकि हम रोमानिया में दो तीन एक टूर्नामेंट खेले थे और स्लोवाकिया में भी दो तीन अच्छी टीमों के साथ खेले थे जिसमें बल्गेरिया रोमानिया स्लोवेनिया और इंडिया मतलब बेसिक हम हारे मगर वी फॉट वेरी गुड एंड उससे हमको थोड़ा एडवांटेज मिला कि वहाँ की उनके जो सिस्टम है और हमने काफी उसमें अच्छा मतलब इम्प्रूव हमारा गेम क्योंकि उनकी पावरफुल सर्विस और जो स्पीड खेलते हैं उससे हमें हेल्प मिला. तो फिर नेक्स्ट फिर हम एशियन चैंपियनशिप में आते ही पहुंचे तो हमारा कोच का इंटरव्यू था मतलब बेसिकली वो दे हैव द इंटरव्यू बिफोर स्टार्टअप तो कोच ही टोल्ड कि क्या मतलब आप यहाँ आके क्या सोच रहे हैं कि आप क्या रहेगा टूर्नामेंट तो वो तो ही सेड कि नहीं बी आर कम वी कम हियर टू विन द टूर्नामेंट और इंडियन कोच तो कोई ये चीज बोलता ही नहीं उस वाली सिचुएशन में मतलब हाँ. क्योंकि हमारी जो रैंकिंग थी बहुत कम तो ये आपके कोच ने हमारे कोच ने जो फॉरेन कोच थे हाँ. तो हमें भी वी आर आल्सो स्टंड कि क्या कर रहा है बड़ी तो बात होगी अब नाम रखना पड़ेगा मगर उस कोच को हम पे कॉन्फिडेंस था तो वी प्लेड द फर्स्ट मैच कोरिया के साथ फर्स्ट मैच था पहला सेट हम हार गए दूसरे सेट में ही सेड क्या कर रहे हो मतलब थोड़ी मोटिवेट करने के लिए बोला फिर देन वी सेड ओके नहीं अब वी हैव टू प्रूव सेकंड सेट फिर हम जीत गए थर्ड सेट फिर वो जीते फोर्थ हम जीते फिफ्थ हम जीते वी बेट कोरिया जो उस चैंपियनशिप की विनर थी फर्स्ट मैच हमने कोरिया का एशियन चैंपियनशिप एशियन चैंपियनशिप तो इन सेम एशियन चैंपियनशिप फिर उसका नेक्स्ट राउंड है बट मतलब हमारे ही दो मैच हमारे एक जापान से और ईरान से बट वी गॉट फिफ्थ प्लेस अगर उसने सेकंड राउंड में हम एक मैच भी जीते तो वी वुड हैव फर्स्ट सेकंड थर्ड उसमें एक भी कोई पोजीशन आती तो वो तो हो गया उसमें फिर उसी चैंपियनशिप में मेरे को आई गॉट द बेस्ट ब्लॉकर अवार्ड बेस्ट अटैकर अवार्ड एंड द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर तो एक एशियन चैंपियनशिप में तीन अवार्ड एक बड़ी बात है मतलब तो मेरे को भी रियलाइज होने में वो टाइम लगा इसी के लिए स्पोर्ट्समैन यू नो दे फाइट सो मच एंड वही मैं कह रहा हूं जैसे उस दिन जैसे ही मेरे को पता न्यूज़ पता लगी कि लास्ट डे था उस न्यूज़ पे हम वी वर गोइंग बस सो हमारी इंटरप्रेटर आई He said, congratulations, I got good news for you. I said, tell me what? I said, medal to hai nahi. Something else, something good news for you. I said, what? He said, you got 3 awards for SSA award. I said, no, you're joking. I can't be. Together in one Together in one, matlab one championship. Yeah, of course. So they make the ranking and this is how we get it. So I didn't realize. Or I was not believing it. That this is what happened to me. So a little time took. Then when I got it, तब तक फिर देन आई गॉट कि नहीं ये मेरे साथ ही हो रहा है वाओ फिर 2003 में ये 3 अवार्ड मिले थे मेरे को तो आप थोड़े से नाम बता पाएंगे आपने कौन-कौन सी चैंपियनशिप्स में पार्ट लिया है बेसिकली मैं आपको बताना कि पाकिस्तान में है तो वो है सैफ साउथ एशियन गेम्स ओके सैफ गेम्स ओके एंड उसके बाद देन वी प्लेड सीनियर एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप फॉर मेन दैट इज बेसिकली फॉर मेन एंड वुमेन बोथ होती है मतलब सेपरेट होती है ओके उसके बाद देन वी प्लेड इन दुबई दैट इज कॉल्ड रशीद इंटरनेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट ओके सो वी प्लेड कंटीन्यूअसली फॉर 5-6 इयर्स ओके सो एंड उसी में आई वी वेन 2 गोल्ड्स 1 सिल्वर एंड 2 सिल्वर्स एंड 1 ब्रोंज ओके तो वहां का वो बेसिकली वो क्या होता था वहां पर रशीद में इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने आते थे पब्लिक दे यूज्ड टू हैव बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान दैट टूर्नामेंट और पब्लिक आती थी इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने बट वी वर ऑल्सो एक्साइटेड कि पाकिस्तान को खेलना है एंड वहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही क्योंकि देयर ऑल्सो आई गॉट द बेस्ट ब्लॉकर अवार्ड ट्वाइस और पाकिस्तान का जितनी हम खेले हैं इंडिया उतनी बार जीते ही वहाँ आ गई नाइस सो एज फार एज आई नो यू ओनली टोल्ड मी दैट यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ खेलो इंडिया इंडिया की नर लोग मूवमेंट कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट इट व्हाट इज इट एंड सॉरी टू इंटरप्ट यू एक और एंड आई प्लेड 2 एशियन गेम्स ओके एशियन गेम्स एंड दैट वाज इन 2002 ओके इन 2006 ओके ओके वॉलीबॉल
This is the first ever time that the Sri Lankan side is taking part in the finals at the South Asian Games, and India to serve once again. And in one point, and others international volleyball tournaments like Romania, we played. Okay. Ex-Slovenia, I think, was like, I say, if you're Asian Championship, I played 3 or 4 Asian Championships. Do we also play in Olympics now? Olympics, we play, but we have to qualify for it. So we never qualify. Indian team never qualified. Basically. Why is it? Is it because of the because performance? Because the competition is very tough. Okay. You have to be in like top 24 teams. Okay. So we are not in top 24. So what is the ranking of Indian volleyball? As of now, I think when I heard in the Asian Games, he was 72nd, I think so. Wow, there's so many teams. But when I was playing, we were in top 20. 23. And then we never got a chance to play in Olympics, the Indian team. No, yeah, we never got the chance. Okay. We were in 2003, we were 5th in Asia in the Asian Games. And 2003, when I said I got these 3 awards, we were 5th. In 2005, again I got the best blogger award. That time we were 4th. We played the champion, I mean like semi-finals, we were 4th. 7, I was not there because 7 there was some problems. My shaadi hui thi, shaadi ke chakkar mein wo camp nahi bulaya tha, so I could not go. Okay. Again 2009 we played in Philippines and we were 9th I think. Okay. In the first round. So also. What do you think? What is the why is Indian team lacking? Is it because of the equipments or the coaches or the level of practice or what is it? Level of practice also is we are good at level practice. That's not an issue. As of now, we need a foreign coach right now. Okay. And the thing is, all this China, Korea, Japan, basically what they do is they play a lot of exposures, you know, exposure matches. Mm-hmm. I mean, like if they are coming for Asian Championship or some other major event, they'll play maybe 40 to 50 matches abroad. Wow. The competition matches. Yeah, okay. So that will, you know, help you in understanding how the team is playing, how the individual player is playing, how they are performing. Mm-hmm. So that is, you can analyze them and you can change your tactics, whatever. Like. Okay. So that is more important. That is what we lack. So basically, we need more of a guidance exposure also the latest what is happening in the field of volleyball. Okay. Now, as of now, we need a foreign coach. That's compulsory. Okay. Because you think they are trained better? They are trained better and they are more equipped and they are, I think they have more knowledge as of now with the current situation. Current situation, yeah. And about the kind of scenario, the practice what other countries are doing also. Okay. Nice. And you were telling me something about Khelo India. Khelo India, yeah. Right now I'm visited with the Khelo India scheme. This is a SAI scheme. Okay. So Ministry of Sports, you know, they have this scheme and this is a very good scheme, you know. The player who is selected for the Khelo India scheme, first of all, is that he's paid everything, like his stay, food. He got very good food, you know. Achha. I think it's about equivalent to, you know, all this, the one who, the players, you know, who are going for the Asian Games and all. Oh, wow. They got very good diet, everything. Okay. Including they get the kitting and all. Mm-hmm. And they get all the schooling, everything is given free. Everything is free. And they get 5 years like of insurance and all. Like medical insurance? Medical insurance. Okay. And after that, every month they get 10,000 rupees. Pocket. Wow. That is the best part. What is the age for kids? Age, you know, it's a... it's from 14 plus. We have got what we see is as a calendar division committee member. What we see is their height and what has he played? Like he's playing sub juniors from there and all. We take them. If he's very good in height, we can select them also. Otherwise, also he can come for selections also. And we'll discuss with the coach. If they want, we can. Basically, you see if there's a potential. You said, why not? Let's work out and maybe he can play for the Indian team. Or he can be asset of the Indian team. So, do we have centers in every state? No, for we don't have centers in any state. But where for volleyball, we have in Gujarat. Okay. For men and women, it's a very good center. Okay. We have 2 indoor courts that are multi-level. Okay. I mean, like one is in the 3rd or 4th floor, and one is in the, I think, 2nd floor. Oh, okay. It's like that. And outdoor court, 4 outdoor courts. We have a international gym. Mm. So we have got indoor swimming pool. So we got
world class facilities there. And one is girl center is in Kerala. Okay, that's only for girls. Yeah, that's only girls. And one more STC center, says also scheme. Okay. Sai scheme is there. They call it STC. So one is in this is Trivandrum, Kerala. Okay. And Patnamdita is a Khelo India center only. So it's like. So how is and the... one center is in this I think Shila not Shila Dharamshala. Acha. Girls center. There is only for girls. Okay. So how is the Indian girls volleyball team? Right now, Indian girls also, they are, you know, improving a lot. They are a very good team. Very good. You must have seen in the Asian Games also. They yeah, but I want to know, like, are they, like, the good competitors or are they, you know, well-trained and they are well-organized? They are like, good. The men's team or there is still... I mean, I'm not at par with the men's team, but they are good. You know, they need... They also need more exposure also because... I don't think they are given that much exposure, what I feel. Okay. But they played very good, you know, in this Asian But game. They're good players. The girls have a lot of potential. They're good potential. They're good team also. Mm-hmm. Girls are very good. But the thing is, saying again, we have to give them more exposure. More exposure. And continuity should be there, you know, like they have 6 months camp, then after the next 6 months, they have nothing. So that's what the thing is. What I feel is the government or the volleyball federation, if they have the good federation or they form the good federation, they should always have, you know, keep the players. Maybe they should select 30 to 40 players for men and women both. Then keep them, continue with the camps, you know, and keep at them at one center. You need to continuity should be you there. You need to and give this, their continuous practice sessions. I mean, and like if A team is going for some championship, the B team should be getting trained. It should be like that. Yeah. That is what the planning should be done. So you're working in ONGC, and how did you land up in ONGC? Or ONGC found you? You found the ONGC. Basically, when you know I was in the camps and all, I was in the junior camp. We played the Junior Asian Championship. So this, they came for selections and all. Okay. So me and Abhijit and some few other senior players were there. They also gave the interview, and they said they will also join, but only me and Abhijit joined together because I heard about ONGC a lot and I was, you know, more inclined to join ONGC. So is ONGC very supportive for players, especially for volleyball? Yeah, when I was playing, they were very supportive. We used to get everything, very analyzed, diet allowance, everything. We had everything. Good ground, yeah. Okay. We had, I think, what I feel is ONGC was the best as far as DAD, everything is concerned. Everything was concerned. They were really taking care of these sports. We were given your flights also when it was important, it was required. And we had that scheme also, once you play for India, I mean, like, if you are not eligible, and if you have played India and you are currently playing, you are eligible for 1 year of the air travel. Oh. Till that date from when you played for India, then you can travel up to 1 year. It was like that. What was your first feeling when you went internationally outside India to represent India, you know, that ek andar se ek butterfly first feeling time, aati hai? First time, toh, it was like when I, wo pehla experience tha, toh aisa lag raha tha ki, जब ग्राउंड सपना भी लग रहा था और ग्राउंड में तो कुछ दिख नहीं रहा था ऐसा लग रहा था कि लाइट ही इट वाज ऑल वाइट यू नो बॉल ही दिख रही है मतलब पहला एक्सपीरियंस था तो इट वाज ऑल न्यू तो आई वाज लाइक आउट ऑफ ब्लैंक हो गया था मैं तो वो धीरे धीरे फिर जूनियर खेल के जूनियर में आई वाज नॉट दैट गुड आल्सो क्योंकि उतना लेवल भी नहीं था मेरा प्रैक्टिस लाइक वो भी नहीं था पर उस टाइम पे इतना एक्सपोजर भी नहीं मिलता था अब तो जैसे इंटरनेट उसके बाद ही फिर मेरे को जब सीनियर खेला मैं तब फिर नहीं लगा कि मेरे को वो अपने आप पे विश्वास आने लगा कि नहीं आई कैन प्ले गुड मैं है आई गॉट द टैलेंट या आई हैव दैट आई कैन डू इट आई हैव इट और ऐसा कोई इज देयर एनी इंसिडेंट और एनी एक्सपीरियंस एज अ स्पोर्ट्समैन व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर विद द पीपल हु इज वाचिंग यू फीलिंग यू नो व्हेन यू आर इन पाकिस्तान सो द सैफ गेम फीलिंग व्हेन योर फ्लैग इज राइजिंग या वो दैट इज अ वेरी इमोशनल फीलिंग यू नो यू फील लाइक क्राइंग आल्सो आई हैव क्राइड सो मेनी टाइम्स जब ऐसे भारत का झंडा ऊपर आ रहा तो वो मतलब वो जो होते हैं ना दैट फीलिंग रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो वो दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट हायर लेवल की फीलिंग है वो यू कैन नॉट एक्सप्रेस आल्सो सम टाइम वो वाली फीलिंग अलग ही है जैसे मैं वॉचिंग एशियन गेम्स में देख रहा था जो इंडियन गोल्ड मेडल मिला तो वो
दैट इज मतलब उसी के लिए खेलना होता है जो बोलते हैं कि अपना देश की मतलब एक बार जब फ्लैग ऊपर जाता है अपने देश का एक वो पीछे से बैकग्राउंड में वो बता आई एम इमेजिनिंग कि आपके साथ तो ऐसे होता है, हम तो ऐसे टीवी पे देख रहे होते हैं ना, मी एंड माय मॉम इज लाइक वी सो इमोशनल, ऐसे हाथ रखते हैं, माय गॉड, एक अलग फीलिंग है वो, एक अलग फीलिंग है, वो एक अलग फीलिंग है। एंड हाउ डिफरेंट इज द लाइफ ऑफ अ स्पोर्ट्समैन, लाइक अगर आप यूरोप के स्पोर्ट्समैन देखते हैं, यू नो यूएस के देखते हैं, दूसरे कॉन्टिनेंट्स के, तो हमारी लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली एज अ स्पोर्ट्समैन और उनकी थोड़ी, मतलब हाउ डू यू कंपेयर इट? जैसे बेसिकली वहाँ क्या होता है, दे हैव इंडोर्स हैं, वहाँ क्लाइमेट कंट्रोल्ड हुआ है। हमारे पास, मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ, जैसे हम यहाँ खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे सुबह, जैसे हम प्रैक्टिस करने सर्दियों में प्रैक्टिस करनी सुबह 7 बजे अगर हम ग्राउंड जाते हैं तो जब तक धूप निकलती है टच द बॉल, उसके बाद भी फिर टच ऑल्सो वो फील होता है, अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं कर पाते। मगर वो ये फॉरेन में यू हैव ऑल द क्लाइमेट कंट्रोल्ड और टेंपरेचर फैसिलिटीज हैं उनके पास, सो यू कैन डू एनी टाइम प्रैक्टिस ऑल्सो देयर। सो वो चीजें फिर इंडिया में आने में भी टाइम लगेगा। व्हाट आई थिंक इट्स बिकॉज़ ऑफ द लैक ऑफ अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द स्पोर्ट्स। नो आई थिंक नाउ व्हाट आई फील इज द गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट। ओके, क्योंकि कैटेगरी से जो गवर्नमेंट की वो जो स्कीम है एसआई का और सोर्स मिनिस्ट्री की एक वो है, मतलब कि हाउ द टीम इज परफॉर्मिंग। हमारा साथ भी था पहले, अगर हमारी परफॉर्मेंस वी आर इन टॉप 4 टॉप 3 या हमारी रैंकिंग अच्छी है, सो देन दे विल फंड यू मोर और देन दे पुट यू ए कैटेगरी। इफ योर टीम इज परफॉर्मिंग नॉट दैट गुड देन यू पुट इन बी कैटेगरी, वो कैटेगरी होती है। अगर इफ यू नॉट एट ऑल परफॉर्मिंग, मतलब आपका कहीं आप 10th में 11th 12th में आपकी प्लेसिंग, सो नाउ यू आर इन सी कैटेगरी, सो उसके अकॉर्डिंगली फंडिंग होती है। सो यू विल गेट ओनली 1 एक्सपोजर इन अ ईयर और नॉट इवन दैट, अगर फेडरेशन आपकी फाइट नहीं करी, फेडरेशन आपकी फाइट करिए सो यू मे गेट 2। हाँ, तो उसमें ये होता है कि जूनियर टीम है, सीनियर टीम है, सब जूनियर तो नहीं होते, ऐसे सीनियर जूनियर फिर मैन लो कैटेगरी, फिर मैन कैटेगरी, मैन के भी है, तो उस चीज में फिर वो जो कितना पैसा अलॉट हुआ जाता है। अच्छा, आई हैव अ लास्ट क्वेश्चन टू यू, आई वांट टू नो लाइक जैसे हम लोग अभी जैसे दूर से स्पोर्ट्स को देखते हैं ना, तो मेरा कोई स्पोर्ट्स खेलने का मन है कोई, तो प्रैक्टिकली जब बच्चे कोई स्पोर्ट्स चूज करें तो वो कैसे चूज करें? मतलब फॉर एग्जाम्पल यू सेइंग इफ आई वांट टू बी अ वॉलीबॉल प्लेयर बट माई हाइट डजंट क्वालिफाई बट आई रियली लाइक दैट गेम, सो प्रैक्टिकली तो चूज करना इट्स अ स्टूपिड डिसीजन, सो हाउ डू यू थिंक कि बच्चे कैसे अपना एक स्पोर्ट चूज करें, मतलब उसमें क्या क्या चीजें हैं जो उन्हें देखनी चाहिए? एक्चुअली इसमें ना इसमें बहुत वाइडर वो है, जैसे आप अपने आप चूज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, सो यू नीड अ कोच आल्सो या फिर आपको कोई गाइड चाहिए, गाइड करे प्रॉपर, बेसिकली एक्सपीरियंस हो, हु कैन, जैसे अगर एक बॉडी है या फिर किसी को देख के, जैसे मेरे को भी किसी ने देख के बोला ही था, करेक्ट, हाँ, क्योंकि मेरी हाइट थी तो दैट आई हैड दैट एडवांटेज, मगर उसमें भी गारंटी नहीं थी क्योंकि मैं जनरल उसमें बता रहा हूँ, क्योंकि आई यूज्ड टू प्ले अदर गेम्स ऑल्सो, मैं मतलब बचपन में अगर मैं सारी चीजें नहीं खेलता, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, फिर और रनिंग स्पोर्ट्स टाइप के थी, अगर वो सब नहीं करता तो मैं बेसिकली इतनी हाइट में इतना फिजिकल फिट नहीं होता, क्योंकि कई मैंने खुद भी देखा है इतनी हाइट में जो स्ट्रक्चर है दे कांट वॉक प्रॉपरली ऑल्सो, उनकी टांगे बैंडे नीज लॉक होंगी या फिर टांगे ऐसे साइड्स में होंगी। तो मैंने जैसे वॉलीबॉल में देखे थे, हमारे एक He was 7'3". So he was barely able to walk properly. Who was 7'3"? Maharashtra ke player the. Okay. Very tall. 7'3" is another level. So I also used to look up to him like that. So तो वही है, तो आपके मतलब एक होता है बच्चे अगर they playing sports, ऐसा नहीं है कि at the age of 10 you can tell कि नहीं he can play anything. Or he can play suppose cricket also, he can play football also. So he has to हर चीज खेलनी चाहिए, रनिंग नॉर्मल चीजें करते रहेगा, then only after age a certain age 15-16 but before decide. choosing I think you should always go to a sports teacher or a coach to ask him actually practically or he can tell ki ha you can go for athletics seeing your walking style or seeing your running style how you jump like small choti choti jump is it very expensive to be a sportsman do you have to spend lot of money I mean like nowadays when I was playing I never used to take supplements
क्योंकि आई हैड नो आइडिया आल्सो, टाइम वो फैशन नहीं था ना, फैशन भी नहीं था और कोई नॉलेज भी नहीं थी हमें, कोई बताने वाला नहीं था, मगर कई लोग लेते थे, कई इससे मेरे साथ में है, मैं नाम नहीं लूंगा, ही यूज्ड टू टेक, ओके, बट वी यूज्ड टू टेक एक वो क्या होता है मल्टीविटामिन, वो ले लिया या विटामिन ले लिया वो, तो उसके बाद फिर अब इतनी अवेयरनेस है मोबाइल आगे सब के पास, लोग इतने अवेयर हो गए हम, मैं तो सोचता हूँ कि हमारे टाइम दुनिया जो मेरे भी कितने ब्लूटिक होते, इंस्टाग्राम ब्लूटिक होते या फेसबुक में मेरा पॉपुलर होता, क्योंकि अब जो लड़का बच्चा मैं देखता हूँ कि ही इज प्लेइंग, एक साल छह महीने खेला है, नाउ इज डूइंग नॉकिंग और वो नॉकिंग की वीडियो डालता है उस पर फेसबुक पे या व्हाटएवर, सो मतलब अवेयरनेस है, और लोग YouTube में चेक कर सकते हैं कि हाँ कि सपोज ही गॉट अ मेडिसिन सप्लीमेंट्स नेम, तो यू विल चेक, अच्छा ये, सो इतनी अवेयरनेस हो गई है बच्चों में भी, और ये सब बिकॉज ऑफ ऑल दिस मीडिया, टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड लॉट एंड इट हैज ब्रॉट, नाउ यू कैन चेक आल्सो कि हाँ अगर कोई कि आई वांट टू डू सपोज दिस रनिंग और ट्रेनिंग, हाउ कैन आई डू, व्हाट ऑल कैन आई, यू कैन आल्सो सी अदर प्लेयर्स, मतलब अगर मैं कोरिया जा रही हूं तो मैं कोरिया की परफॉर्मेंस देख सकती हूं उसके बेसिस पर, तो मैंने टेक्नोलॉजी का एडवांटेज बहुत फर्क है अब, नाउ हमारे जैसे अभी अभी मैं इंडियन टीम के साथ भी था तो वो उनकी वीडियोस देख के यू कैन एनालाइज, पीपल डू बिकॉज कोरिया जापान वो हमारे साथ भी वो कर रहे थे, दे हैड दे हैड अ टीम ऑफ 8 पीपल, ओके, एंड वी हैड ओनली 2 और 3 कोच, असिस्टेंट कोच एंड ट्रेनर, उनके साथ क्या होता, ट्रेनर, डॉक्टर, फिजियो, मैस्योर और मैस्योर आल्सो मसाज, हमें इंजरी होती थी तो नो वन वाज देयर, नो फिजियो वाज देयर, सो वेरी सैड एक्चुअली, दैट्स व्हाट, वही मैं सोच रहा हूँ कि जितना मेरी अचीवमेंट जो थी अगर उस टाइम ये 10 साल बाद होती तो और मैं बेटर भी होता और आई वुड हैव, और आल्सो देन हमारी भी टीम ओलंपिक्स खेल ली, खेल ली हो सकता मे बी, और मेरे को मैं आपको बताऊं 2003 में सबसे बेस्ट लीग होती थी यूरोप में, ओके, जो ए लीग सीरी एक बोलते हैं से फुटबॉल की सीरी थी, तो ऐसे ही सीरी ए का मेरे को लीग ऑफर आया था क्योंकि आई वाज द बेस्ट इन एशियन चैंपियनशिप, कि दे कॉल्ड मी टू प्ले इन लैजियो करके इटली में, बट वो मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी या फिर फेडरेशन दे डिडंट वांटेड मी टू गो, तो दे डिडंट अलाउ मी, तो उसी टाइम पे फिर एक मेरे को अर्जेंटीना से भी ऑफर आया क्लब्स के लिए, बट आई प्लेड, उसके बाद भी 2005-06 में मैं खेला हूँ, दो एक दो में भी खेला था मैच, क्लब्स खेला था, मैं लेबनान खेला था, मैं कतर में खेला हूँ, कतर में मैं आई प्लेड फॉर अल अरबी अल रयान, मतलब जो जितना था उसके साथ में की लाइफ ज्यादा नहीं होती ना एज अ प्लेयर, इट्स 40-45 फॉर अ वॉलीबॉल प्लेयर, 40 इज आल्सो आई एम यू आर सेइंग टू मच बिकॉज़ उतनी लेवल पे जंप करना है आपको, आप ये देखें ना आपके नीज पे भी जोर पड़ता है, जोर पड़ता है, बहुत जोर पड़ता है, मैं वही मैं वो कोई बोलेगा कि वॉलीबॉल खेलना है, सेट इनफ 20 साल में खेल चुका, डन फॉर माय लाइफ, 20 साल में खेल चुका, अब आगे भी और जीना है, हां तो इसीलिए मतलब लॉजिकली एंड स्मार्ट, इफ यू आर अ स्मार्ट स्पोर्ट्समैन यू शुड स्टॉप एट, no you between... should not stop I think, because now that you have very good technology, you got physiotherapists, you got all फिर भी like 40 के बाद थोड़ा हल्का हाथ रखना चाहिए, you know, हाँ you should stop, मतलब मेरी राय में, मगर अगर आपके साथ ये सब सपोर्ट है, साफ है, ये सब लोग हैं आपको, पांच साल और खेल सकते हो आप, सही में खेल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, so who has been your inspiration like in volleyball, his name is Joby Joseph, okay, because I have seen, मतलब he used to work out a lot, he has very good muscle, thigh muscle and way of his stuff, he's from India only. Okay. Where is he from? He is from Kerala. Okay. So he was a senior to us. Okay. So he and have very you played good. With him? Yeah. We have played together also. Oh wow. We played together. But also. He's really inspired yeah, you. Yeah, he inspired me a lot. Wow. And he was very good player. He played, I think, maybe 10 years or 12 years in Qatar. Okay. He played for Gulf. And in Indian team, I think he played for 10 to 12 years. But he was unlucky that he didn't get the Arjuna. Okay. Like me. No. I think उनका पता नहीं, बट हम बहुत लकी हैं कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए, एंड आई थिंक दिस इज अ मैसेज टू ऑल द चिल्ड्रन दैट उनको सारे स्पोर्ट्स खेलने चाहिए और सब ट्राई करना चाहिए, यू शुड नॉट स्टॉप आल्सो, नाउ अब इंडिया में तो है ना एक वो जैसे मोदी जी का कहना, खेलेगा कूदेगा बनेगा, पहले तो खेलेगा कूदेगा बनेगा खराब, नाउ खेलेगा कूदेगा बनेगा नमक, हां सो द सेम थिंग, पहले ये था कि पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि बच्चे खेलें या फिर बच्चों को खेलने दिया जाए, क्योंकि खेलेगा तो फिर पढ़ाई कब करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा तो फिर, नाउ यू सी द सिंधु को देख लो आप,
नीरज चोपड़ा को देख लो और इसे अलग का एग्जांपल है नहीं आल्सो अब आजकल की जो एकदम नई जनरेशन आई है वो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड भी है लेकिन बैलेंस सिंधु उसके फादर जो है वो इज अ वॉलीबॉल प्लेयर एंड आई नो हिम वेरी वेल ओके और वो उनकी वजह से मैं आई फील कि सिंधु इतनी अच्छी प्लेयर थी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही टू सेंड हर 5 o'clock उठती थी वो उसके लिए अलग गाड़ी करके उसको प्रैक्टिस करा के फिर देन शी यूज्ड टू गो टू स्कूल फिर वहीं से शी यूज्ड टू गो फॉर ट्रेनिंग अगेन सो दैट्स हाउ उसने मेहनत करी पर एकाग्र होके मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है स्पोर्ट्समैन को बिकॉज यू कैन नॉट पे एंड डू थिंग्स ना इट्स योर बॉडी यू हैव टू वही है जिसे बोलते हैं ना जितना आप रगड़ोगे ना उतना ही शाइन करेंगे करेक्ट करेक्ट नो वही चीज है सो हमने भी वही लगता है कि मैं इतने साल हम जैसे एकेडमी में खेले या इंडियन टीम में जैसे हम जाते थे यहाँ पर 6-6 महीने हमने कैंप किए वहां से वापस आओ फिर यहाँ टूर्नामेंट शुरू होते हमने कहा कितना खेलेंगे नॉन स्टॉप होता था मगर फिर यह है कि तभी फिर रिजल्ट भी आया तभी फिर सी माय ओन फादर कि मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए पर 5 बजे वो शाम को ग्राउंड पे जाते ही जाते थे वो no एक अच्छी हैबिट है बेसिकली अब तो आप जैसे अभी नाउ आई एम गोइंग टू द ग्राउंड टू मेंटेन माय सेल्फ फिजिकली एक्टिविटी आई डू समथिंग क्योंकि ये है कि ऐसे नहीं करूंगा तो फिर वेट बढ़ जाएगा व्हाटएवर नो आल्सो बट आई एम अ स्पोर्ट्समैन अगर नहीं खेलोगे तो बॉडी पेन करने लगेगी खेलोगे तो ठीक रहेगा तो वो चीज है तो आई टेल माय किड्स आल्सो मगर वो सुनते नहीं है मगर तो मैं उसको छोड़ गया हाउ मेनी किड्स डू यू हैव आई हैव टू किड्स अब बेटे को मैं डेली 5:30 उसका अब टाइम आई हैव टू टेक हिम टू द ग्राउंड एंड देन लीव हिम एंड व्हाट इज ही प्लेइंग बास्केटबॉल भी एंड बोथ योर किड्स एंड दे लाइक बास्केटबॉल दे वांट टू गेट बेसिकली अभी नहीं दे डोंट ही डजंट लाइक ही वांट्स टू प्ले वीडियो गेम एंड एवरीथिंग हां द होल जनरेशन वांट्स टू प्ले वीडियो गेम आई वांट हिम टू डू सम फिजिकल वर्क ऑफ कोर्स सम तो थोड़ा एक्टिविटी बॉडी है ऐसी है तो वो एक बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट थे उन्होंने मेरे को कहा था कि जब दिमाग दिल और हाथ एक साथ काम करे ना दैट इज योर चाइल्डहुड इट्स लाइक इफ यू जस्ट सिटिंग and not doing anything I can say ki jahan main rehta tha basketball mein jahan rehta tha wo ek choti si colony thi to wahan hame khelne ki problem nahi thi we had very good park we have very good football ground also to jab man gaya football khel liya jab park mein kuch man gaya to bachchon ke sath aise khel liye to maybe because of that ki yahan bachche jate hi nahi hai bahar khel khelne bahar to wo mere ko lagta hai ki because of that ki main itna acha player ban paya ya physically I was active so I think you had a very adventurous and inspiring life because आप God gifted लंबे थे और आपको लोगों ने चुन लिया parent gifted parents are like God only and then you got a proper guidance yes. and then with that guidance you discovered कि you have the talent अच्छा एक sorry तो एक मेरे पापा की बात याद आ रही है जब मैं कोई award मिला तो event घर पे मैं बताया कि पापा कहते हैं कि यार मतलब he felt very good you know like कहते हैं कि हाँ whole world में कि तुमने अपने दादा का नाम रोशन कर दिया हर जगह तुम्हारे दादा का नाम आ गया और मेरे को उसमें फिर I also realized कि नहीं बहुत अच्छा good achievement थी मेरी क्योंकि वो जैसे उस Wikipedia में भी आता है ना जैसे सी माय नेम नहीं तो वो पापा देखते थे पापा को लगा नहीं एक बहुत अच्छी बहुत अच्छी आई थिंक पेरेंट्स तो बहुत प्राउड हो जाते हैं ना जब बच्चा वेरी प्राउड है ऐसा कर जाए स्टार्टिंग में उन्हें लगता है पता नहीं कर पाए उनको ये उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसे ऐसा कुछ करूंगा या मतलब उनको ये था कि पढ़ाई लिखाई करके क्या मिलेगा एक नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी ये सब चीजें रहती है Now he see you well settled and well famous and everybody knows you. You have done No, of course, see, people know you. Yeah. I know you. I don't know. ऐसे बहुत सारे और भी लोग होंगे जो जिन्होंने आपके मैचेस देखे होंगे. They know you. हाँ, बेहतर होंगे. People know me. I feel sometimes कई लोग मैं जैसे बाहर भी कहीं भी कहीं जाता हूँ तो people look at you कि हाँ आपको देखा है. जिसे कि आप सुबह में कहाँ भाई. नहीं, but I think यहाँ पर because volleyball match के बहुत प्रेमी हैं. देहरादून में रहे एक बार यहाँ पर वो हुई थी लीग हुई थी तो बहुत सारे लोग ऐसे देखने तो हम नेवी के साथ मैच हम नेवी को हमने जीते भी थे तो बहुत ज्यादा परेड ग्राउंड में या ओएनजीसी में भी हाँ मैंने तो खैर अतः मैच देखे हैं बिकॉज मैंने अपने फादर को खेलते हुए देखा देन ही इज अ रेफरी तो मैंने उनको खिलाते हुए देखा एंड आई वाज ऑलवेज इन लव विद वॉलीबॉल नॉट अदर गेम बिकॉज मे बी आई हैव सीन इट ग्रोइंग And I think it's a beautiful game and now
as the competition is rising, we should get more facilities, better equipments, better coaches, है ना. And I think, but coach का भी क्या हो जाता है ना, जो उन्हें सिखाया वो भी उतना ही दे पाते हैं कभी कभी. They are also not equipped, and how will they give it to you? That's what. So that's what कि मैं जो जैसे चाहता भी हूँ ना कि इंडियन टीम तभी इम्प्रूव होगी जब आपके कोच भी इम्प्रूव करेंगे. क्योंकि आपके कोच के उतनी नॉलेज ही नहीं होगी. So how will they impart knowledge to the players? True. So that's what we have to update the coaches also. ये भी चीज़ है. Nice. So I should ask everyone ki you should keep playing, and this is a very inspiring story. I can inspire as many people. Of course, so I think बहुत सारे लोग ना जो उनके मतलब की बात होती है ना वो पॉडकास्ट से ले लेते हैं. अच्छा ये बात सीखनी थी रह गई. जैसे आई थिंक इस सबसे इस पूरे पॉडकास्ट में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, खेलो सब, लेकिन अगर तुम्हें एज अ स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमन बनना है तो गाइडेंस लेके चूज करो. क्या पता आप किसी और स्पोर्ट में बहुत बेहतर कर सकते हो, तो थोड़ी सी गाइडेंस अगर आपको मिलेगी यू वुड बी अ बेटर स्पोर्ट्समैन, आइदर फ्रॉम योर सीनियर्स, आइदर फ्रॉम योर सीनियर कोच, या फिर And bringing your flag up is the most proudest moment जो आप describe नहीं कर सकते हो. So I think that is the most beautiful thing. और वो history तो मैं आप आई जाती हूँ ना. आप मैं आप आ जाती हूँ जब आपका flag जा रहा है. जैसे नीरज चोपड़ा के भी ना history ही always be there. आपका national anthem बज रहा है. हाँ, no, you'll be always be there ना. You're part of the history and that's it. So like अभी जैसे सात्विक और वो चिराग शेट्टी जो जीते थे. हाँ. वो तो ultimate हो गया. हाँ. तो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट फॉर अ स्पोर्ट्समैन. एंड अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ये मोमेंट आपकी लाइफ में आए तो प्लीज खूब सारा खेलो, खिलो और बनो नवाब. एंड लाइफ विल बी वेरी ब्यूटिफुल. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो. थैंक यू.